छुट्टी है तो अभी हम लोग जा रहे हैं पटना जंक्शन से वाराणसी की ओर। और गाइस अभी चाय आया था तो मैंने चाय खरीदा और चाय पी रहे थे। आयुष बाबू नहीं है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है भाई। तब तो तुम्हारा पैसेंजर देख सकते हो, आप रेलवे लॉस में चल रहा है इसीलिए एमसी से चिपकाए हुए है। इसको नंबर तो वायरल हो गया तुम्हारा, नंबर। तो गाइस अभी हम लोग दिल्ली उत्तर प्रदेश में इंटर कर गए हैं और अभी हम लोग स्टेशन पे रुके। तो एक प्लेट ये भी खरीदेंगे क्या, पपीता भी खरीदेंगे समझे। ए भाई रुकना, पपीता खरीद लेते हैं समझे। इन्हें वीडियो बनाने में डर जाए, उधर वाला निकल जाए। तो गाइस अभी सुबह सुबह देख सकते हो, सुबह के 4:09 हो रहे हैं और अभी हम अपने भैया के क्वार्टर में सोए थे। जैसे कि बताया था कल आप कल वाले ब्लॉग में कि पुलिस वाले क्वार्टर में हम सोए हुए थे, तो अभी सुबह सुबह 3 ही उठ गए हैं। आयुष बाबू को भी बुला लिया, बेचारा को तो रात भर चैन ही नहीं मिला क्योंकि फ्री के होटल इसको मिल गया था सूटने के लिए। तो बेचारा सुबह सुबह उठ के और 2 से कॉल कर रहा था कि जल्दी आ जाओ स्टेशन, जल्दी आ जाओ। और फ्री में कल रात में चिकन चिल्ली सब भी चाप दिया है, तो क्या कहिएगा आप बताइए। मतलब कोई इसको थोड़ा सा हाथ बढ़ाया और ये पूरा उसका गला चबा लिया। तो यही है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पटना जंक्शन से वाराणसी की ओर। और देखिए ट्रेन आएगा, आधा घंटा डिले है, 25 मिनट्स। तो चलते हैं, तो रास्ते में दिखा। चलो चलो अंदर होगा। तो गाइस अभी हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं और ट्रेन निकल चुका है दानापुर से भी आगे पटना जंक्शन में हम लोग, और पटना जंक्शन पे चढ़ गए थे कितना का 4:40 पे। और अभी भी ट्रेन लगभग देरी से चल रहा है, तो बनारस हम लोग पहुंचेंगे लगभग 10 या 10:30 के करीब। भाई यार देखिए दोनों बेचारा खैनी खाने के लिए खींच खड़ा है। अंकल जी से मांगा नहीं है तू, खैनी नहीं मांगा है बोलेगा। ये बंदा देख सकते हैं इतना लिच्चर है कि जूता पहन के ऊपर गया है। क्या बोलो बोलो बोलो, ऐसे भी आवाज नहीं आएगा तेरा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये बात सही है। Gracias.
गाइस अभी हम लोग रघुनाथपुर पहुंच गए हैं और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं विद्युत एक्सप्रेस में वाराणसी तक पटना जंक्शन से। तो अभी हम सोच रहे थे, हमको याद था कि वो जो था ना ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, इधर ही हुआ था कहीं, तो उसका मलबा दिख जाए, लेकिन अभी तक दिखा नहीं है। इसी तलाश में यहाँ खड़े हैं, लेकिन अंदर चल जाते हैं, गेट पे खड़ा नहीं होना चाहिए। गाइस अभी हम लोग बक्सर पहुंच गए हैं और बक्सर पहुंच के सोचे थे कि कुछ खाएंगे हद ना, लेकिन कुछ मिला ही नहीं, समोसा सिंघाड़ा वगैरह। कचौड़ी खाए? कचौड़ी वचौड़ी नहीं खा सकते। चलो अब अंदर बैठ जाते हैं आज फिर से। तो गाइस अभी हमें बक्सर में कुछ नहीं मिला था, तो हम लोग खरीदे थे एक बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स और पंजाबी तड़का। जैसे देख सकते ये रहा मजा का कोल्ड ड्रिंक्स, और हम लोग उससे इसीलिए खरीदे कि सब कुछ MRP पे दिया है, और ये ओरियो बिस्किट। बेचारा को बहुत भूख लगा हुआ है, सुबह 5 बजे से टेंशन में था। देख रहे ना कैसे चौंक चौंक करके खा रहा है, देखिए भाई गजब मुझ पे जगाते हैं आपको। वो देखिए सुतने से परेशान है, खाली सूख रहा है, सिर्फ सो रहा है। जूम करो जूम करो, देखे भाई उठ जाइए। अब ट्रेन में जा रहे हैं, बस बस कैसे सुतता रहा, सोया हुआ था हम लोग, खा लिए गाइस। चलिए ठीक। तो गाइस अभी चाय आया था, तो मैंने चाय खरीदा और चाय पी रहे थे। आयुष बाबू को बहुत टेस्टी लग रहा है चाय, क्योंकि पानी का बना है। हम कह रहे थे कि चाय बेकार है, मेरा 90 डिग्री हो गया और एक गट का भी है। चाय नहीं है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है भाई। तब तो तुम्हारा 45। इसको चल के इसको बाहर फेंकते हैं पहले, लग रहा है जैसे सही में बेकार पानी से। रिव्यूज में नहीं देखते हैं कि पानी से बना देता है चाय, हीटिंग रॉड डाल के, वही हमको लग रहा है, वही है, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। फाइनली हम इस चाय को देख सकते हो, इसमें चाय भरा हुआ है अभी भी, और इतना बेकार था कि इसको फेंक देते हैं। फेंक दिए हमारा, तो लगा कि मोबाइल में फेंक आ गया, हाथ भी गंदा हो गया पूरा। और ट्रेन आगे दारी आते हुए एकदम, और गर्मी अपने चरम सीमा पे है, 35 डिग्री के लगभग तापमान होगा। देख सकते हो आप रेलवे लॉस में चल रहा है, इसीलिए MCL से चिपकाए हुए है, इसको नया नहीं लगा सकता था। और हम सोचते थे कि शीशा बहुत मोटा होता है, लेकिन नहीं, देखिए एक शीशा है, इसके बाद एक और शीशा है, बीच में नट है। आधार लिए हैं और बाहर का व्यू देख सकते हो, क्या मजा आ रहा है, एकदम आराम से बैठ के एंजॉय कीजिए व्यू। इधर ईशान बाबू बैठे हुए हैं, ये हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ जर्नी कर रहे हैं। इधर शशांक बाबू भी हैं, और इधर आयुष बाबू सुबह से सोने नहीं लगे हुए हैं। इधर देखिए कौन सी स्कूल आ गई है, ये शुभम कची है रे भाई, दीदार नगर सनबीम है रे। अच्छा जय श्री राम, देखो भगवान का मूर्ति है। जय श्री राम, हो क्या रहा है, पूजा हो रहा है, शादी मिल रहा था, चलो लूट लेते अभी भोलेनाथ के लेट से। देखे इंसान आधार कार्ड ले लो, सबसे सबका आधार कार्ड लेके जमा कर दो, तुम भी दो अपना दो, सबका आधार कार्ड जमा कर दो, ठीक है। ऐसा ईशान के बाबा बोल रहे हैं ना, ईशान ईशान बाकी तो रेंज है ये। अब बिल नहीं करेगा कुछ, तुम्हारे दादा क्या बोले बताओ, फिर से बताओ ना एक बार बताओ ना, दादा क्या बोले इसके। अरे वेरी गुड मां, वेरी गुड वेरी गुड, करो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बनिया है। मॉस्किटो वाला का पता नहीं, मॉस्किटो मच्छर काटा गया है जो तुम बोल रहे हो, नहीं ना काटा है, मतलब अच्छा है, हाइजीन वाइजीन है, हाँ पूरा हाइजीन है, बाथरूम में है, बाथरूम ठीक है, साफ है। रिमार्क्स एंड सजेशन क्या लिखे भाई, नथिंग लिखो, आई एम इलिटरेट पर्सन, लिख दो, आई कांट राइट एनीथिंग, कलम लो हाथ पे, अंगूठा छापे हम। नंबर तो वायरल हो गया तुम्हारा, 418 नंबर, ट्रेन नंबर, PNR नंबर भी लिखना जरूरी है क्या, 3 याद है तुमको, 3 वो 3 नहीं था, कोच नंबर क्या है भाई, B2 लग रहा है। रेलवे को सजेशन देके बाबू बताइए तो, इधर अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ये घबराना चाहिए।
तो गाइस अभी हम लोग दिल्ली उत्तर प्रदेश में इंटर कर गए हैं और अभी हम लोग स्टेशन पे रुके थे तो अमरूद खरीदे हैं और आजकल हम थोड़ा अपना हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं तो एक प्लेट ये भी खरीदेंगे क्या पपीता भी खरीदेंगे समझे ए भाई रुकना पपीता खरीद लेते हैं समझे पपीता खाते हैं उसके बाद अभी यहाँ लगभग लगभग 30-40 किलोमीटर ही बचा हुआ है अभी तो कुछ काट तो रहा ना ट्रेन बा खुल जाए तो फिर हम का करी नहीं तो काटेंगे तभी ना देंगे भैया यात्री का ध्यान दे बाई 3 45 का नाम पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आ रही है। तो गाइस अभी वंदे भारत आने वाला है हम लोग वंदे भारत का अराइवल देखेंगे पायलट है भाई सीधा एक बना ना सीधा अपने फोन से साइड से इनकी इन्हें वीडियो बनाने में डर जाए उधर वाला निकल जाए जो बात ही कुछ और है ओ भाई लेकिन बहुत छोटा है यार फाइनली वंदे भारत अराइव साला व्यू देख रहा है कितना मार रहा है भाई तो गाइस उधर वंदे भारत को हम लोग छोड़ के और जा रहे हैं सोच रहे हो वंदे भारत को स्किप कर रहा है ये एक नॉर्मल ट्रेन लेकिन हमको लगता है आगे वंदे भारत हम लोगों को ओवरटेक कर देगा कहीं बाईपास में हम लोग को रोक देगा और वंदे भारत को ओवरटेक कराएगा समझे सुंदर है ये स्टेशन काफी ज्यादा साफ सुथरा और सुंदर है उधर देखिए वंदे भारत है अरे क्या देख रहे हैं सीआर के नजर से भैया क्या देख रहे हैं बंदर बंदर यहाँ नहीं है इधर पुराना अपना डीजल इंजन जो कि लगा हुआ वैक सेवन था डीडीयू में बना हुआ इंजन है ही और इधर देखिए ऐसे ही ट्रेन उरेन लगा हुआ है और सामने से अपनी ट्रेन टर्न कर रही है और थोड़ी देर में ही हम बनारस पहुंच जाएंगे और इधर गौ माता का फेवरेट रेस चल रहा है ट्रेन से और उधर देखिए उधर है क्या कौन सी मालगाड़ी है ये जीवन बहुत कठिन है इसका प्रे फॉर हिम तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे क्या नाम था स्टेशन का वासुकी नगर ऐसा ही कुछ था काशी से पहले जहाँ पे हम लोगों को अभी बंदर बोल रहे हैं वंदे भारत ओवरटेक करेगी अपने पूरे फुल स्पीड में तो इसी का इंतजार कर रहे हैं अभी हम लोग और देखिए इधर पूरा रोका हुआ है ट्रेन रुका हुआ है अभी वंदे भारत आएगी पूरे फुल रफ्तार वंदे भारत ओवरटेक तो गाइस उधर देख सकते हो वंदे भारत आ रही है और इधर गेटमैन वगैरह सब कुछ रेडी है इधर अरे धूल उड़ाते हुए कहाँ आ रहा है क्या पता थोड़ा प्रीमियम है तो थोड़ा प्रीमियम धूल जूम करके दिखाइए अपने दर्शकों को देखिए अरे हॉर्न मार रही है थोड़ा पीछे हो जाइए नहीं तो आप उड़ा रहा है पॉल्यूशन कर रहा है रोला है वंदे भारत को मैं लोकल ट्रेन ज्यादा लग रहा है वो सरदार जी देखो पीछे उसके कैप्टन है बैठ गए हैं सरदार जी पीछे कैप्टन बने हुए हैं हाँ
वाला बड़का वाला वो देखा था क्या चीज था वो मूर्ति रे। हम लोग पहुंच गए हैं काशी स्टेशन पे और यहां से बस थोड़ी दूरी है बनारस स्टेशन और पीछे मैंने आपको दिखाया था नमो घाट। अभी तो चलेंगे तो पूरा मस्त ब्लॉग होने वाला है लगातार 3-4 दिनों तक, हो सके तो बीच में चलेंगे कहाँ राम मंदिर, राम मंदिर भी जाएंगे कल या परसों रात में जाएंगे और सीधा रातों रात आ जाएंगे, लेकिन रात में जाएंगे दिन भर घूमेंगे और रात को वापस आ जाएंगे। चलिए खरीदना है चिप्स, खरीदो ना छिपा चिप्स छिपा रुस्तम, आयुष बाबू आ गए हैं कुछ खरीदो ना। तो गाइस हम लोग को समझ में नहीं आया कि हम लोग एसी का पैसा दिए हैं कि गेट पे खड़ा रहने का पैसा दिए हैं, जितना देर एसी में बैठे नहीं है उससे ज्यादा तो इसके गेट पे खड़ा रहे हैं। भाई तो दिन भर यही बैठा हुआ है। आयुष क्या बोलो, झगड़ा कर लिया का दोनों? क्या ओ बाथरूम है इधर तो गाइस देख सकते हो बाथरूम एकदम साफ सुथरा है। हाँ साफ सुथरा है, हैंड वॉश भी है, ये भी है, मिरर भी क्लीन है पूरा, फैन भी चल रहा है। तो आगे निकल गए हम लोग, स्लो हो गए। वाराणसी में आपका स्वागत है, योगी जी की तरफ से आप सभी को वाराणसी हार्दिक अभिनंदन करता है। हाँ चलते हैं, अभी उस साइड भी तो लिखा होगा ना, कितना सुंदर है देख रहा है, योगी के राज का स्टेशन देखो, थोड़ा सा भी गंदा है कहीं, वही ना बोल रहे हैं पूरा साफ सुथरा है, वो पन्नी का टुकड़ा भी दिख रहा है, एक आध दो तो दिखवे करेगा भारत है। एलिवेटेड सीढ़ी भी है लेकिन नॉट वर्किंग। चलिए आगे चलते हैं, अब उतरते हैं। चलो आ गए वाराणसी में, बैग लो भाई मेरा बैग लो, तो बैग पकड़ो, ये टूट जाएगा यार। तो गाइस अभी हम लोग वाराणसी में फिलहाल ये उतर चुके हैं और हम लोग अभी यहाँ से होटल खोजने आगे की ओर जाएंगे और हम लोग विभूति एक्सप्रेस में ट्रेवल किए थे जो कि हावड़ा से चल के और पटना जंक्शन तक जाती है, बट हम लोग इसमें ट्रेवल किए थे पटना जंक्शन टू वाराणसी और इसका फेयर हमें पड़ा था 555 रुपये और GST अलग से यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वाराणसी तक। फिलहाल ये जो वीडियो है इसको तो आज यहीं पे अभी खत्म करेंगे जंक्शन पे और यहाँ से नए नए और इंटरेस्टिंग और आपको बता देंगे क्या क्या करेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, ये एक सीरीज चलेगा चटा।